तीन बड़े नाम सर्वोच्च सम्मान। नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, पीएम मोदी ने आज सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके बड़ा ऐलान किया है। एक ही दिन में देश की तीन हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के लिए तीन नए नामों का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके दी। इस लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह, पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का नाम शामिल है। इस ऐलान के बाद कई नेताओं के रिएक्शन भी सामने आए हैं। इस बीच पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने भी एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि दिल जीत लिया। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि मैं पीएम का दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, पहले की मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जिन जिन ने समर्थन किया, जो इस फैसले के साथ हैं, और जो चौधरी साहब के लंबी यात्रा में, जीवन यात्रा में उनके संघर्षों के साथ रहे, उन सबको बधाई देता हूँ। ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं है, सबकी जीत है और श्रेय सबको जाना चाहिए। सर, 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 भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? भाजपा के साथ हाथ मिलाने? देखिए, कोई कसर रहती है? आज मैं किस मुंह से इनकार करूँ आपके सवाल? आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मानिए हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हरेक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया है, रत्न से सम्मानित किया है। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस बात के लिए हमारे देश के, चाहे वो कृषक हैं, किसान बंधु हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, अथवा देश की राजनीतिक धारा में एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए जो विख्यात रहे, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कारण से ये विषय आया हो, इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नरसिम्हा राव ऐसे एक उस समय के प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने प्रतिपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को विश्व में एक सम्मान का स्थान दे करके और यूएनओ में भेजा था, एक सराहनीय काम उन्होंने किया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, किसानों के मसीहा रहे। इसी प्रकार से जो कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी ने कृषि को किस प्रकार से उपयोगी किया जाए, किसान के लिए लाभकारी किया जाए, कृषि को किस प्रकार से आधुनिक दृष्टि से और आगे लाभप्रद एक व्यवसाय बनाया जाए, इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो ऐसे इन सब का अपना एक योगदान अपने इस देश के समाज को और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया, मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार भारत रत्न सम्मान के लिए दो नामों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें पूर्व डिप्टी पीएम बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, तीन बड़े नाम है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा डिटेल में बताने की यहां कोशिश करते हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर बात की जाए, 1902 को हापुड़ के नूरपुर गांव में 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था। 1926 में मेरठ कॉलेज से कानून की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह ने हमेशा गरीब और किसानों की आवाज को बुलंद किया है। कृषि उपज की बाहरी आवाजाही पर रोक हटाने से सराहनीय काम इस तरह के उन्होंने किए। 1930 में स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह छपरौली से 6 बार विधायक रहे थे।
वो 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1967 को, और फरवरी 1970 में दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। देश के पीएम भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह, जिनको यह सम्मान मिलने जा रहा है। 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री 1991 से 1996 तक रहे। आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 1964 तक कानून मंत्री वह रहे, और कानून एवं विधि मंत्री भी रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री भी रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव। 1971 तक शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। देखिए कई पदों पर वह बैठे हैं। 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रहे हैं। 1975 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव पीवी नरसिम्हा राव को बनाया गया था। आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं 1957 से 1977 तक। एमएस स्वामीनाथन की अगर बात की जाए, 1925 में उनका जन्म हुआ था, कुंभकोणम में उनका जन्म हुआ था। कृषि क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान रहा है एमएस स्वामीनाथन का। 1965 में चेकोस्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंस में मेडल मेमोरियल उन्हें मिला था। पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है, और 1972 में तो पद्म भूषण से भी उनका सम्मान हो चुका है। 1971 में रेमन मैग्सेसे से सम्मानित हुए हैं। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं एमएस स्वामीनाथन। 1987 में फूड सेफ्टी, 1991 में पर्यावरण उपलब्धियों के लिए टालर अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो एमएस स्वामीनाथन के बारे में आपने जाना। 28 सितंबर 2023 में एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया। 2024 में स्वामीनाथन के लिए भारत रत्न की घोषणा की गई है। तो ये 3 बड़े नाम जिनको सर्वोच्च सम्मान। देखिए पीएम मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी। हमारी सरकार का यह सौभाग्य कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के लिए, उनके अधिकारों और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या फिर गृह मंत्री हो या फिर विधायक के रूप में, उन्होंने राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान जो कार्य उन्होंने किए वो हमेशा याद रहेंगे। एक और पोस्ट ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की है। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद के और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए समान रूप से याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों द्वारा चिन्हित किया गया, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। 3 पोस्ट जो हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए, ये बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार हमारे देश में कृषि और किसानों के कल्याण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम एक अन्वेषक और संरक्षक के रूप में और कई छात्रों के बीच सीखने प्रोत्साहित करने वाले उनके अमूल्य काम को भी पहचानते हैं। भारतीय कृषि को उन्होंने बदला है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को और समृद्धि उसमें सुनिश्चित की है। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैं हमेशा उनकी अंतर्दृष्टि और इनपुट को महत्व देता था। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये पोस्ट। इधर
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का भारत सरकार का निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है। एक कर्मठ राजनेता के रूप में उन्होंने विभिन्न दायित्वों का कुशल निर्वहन करते हुए लोगों की सेवा की। उनकी कर्मठता को समर्पित यह सम्मान सभी को देश सेवा हेतु प्रेरित करेगा। हमारे अन्नदाताओं के लिए आज दोहरी खुशी का दिन। सीएम ने लिखा, किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए आजीवन कार्य करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी एवं देश की हरित क्रांति के जनक कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हम सभी की प्रेरक महान विभूतियों को यह सम्मान मिलना देशवासियों के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी ये पोस्ट जो है सामने आया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना देश के लिए गर्व की बात। तो देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका करवाती हूं उनसे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं। अमित, आपका भी स्वागत है। और देखिए, सबसे पहले मैं अमित आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो लोगों के नाम का जिक्र किया था, और जिनमें बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की बात आई थी। और उसके बाद आज तीन तीन नामों का ऐलान यहां पर हुआ है जिनको भारत रत्न पुरस्कार जो है दिया जाएगा। अब किस तरह से इसे देखा जाए, हालांकि देश के लिए ही एक गर्व की बात है, बड़ी बात है। देखिए सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो महान विभूतियां हैं जिन्हें भारत रत्न देने का की घोषणा हुई है, ऐसे में ये देर आए और दुरुस्त आए वाली एक कहावत है वो निश्चित रूप से कही जा सकती है, क्योंकि जो इनका योगदान है वो देखिए इनको देरी से मिला है। भारत रत्न इन्हें काफी पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक तौर पर कई तरह की सियासी मजबूरियां रहती हैं। वो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुभाष चौधरी जी मौजूद हैं और वे पुराने जानकार हैं सियासत के, तो वे इसको समझ सकते हैं कि किस तरह की सियासी मजबूरियां जो है वो भारत रत्न देने में आड़े आती हैं और देने में वही सियासी मजबूरियां दिलवाती भी हैं। तो आज का यह एक बड़ा कदम है जो सरकार, केंद्र सरकार ने उठाया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय कदम है। बेशक उसके पीछे कहीं समीकरण साधने की रणनीति रही होगी, लेकिन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का देखिए भारतीय कृषि के लिए जो योगदान है, हरित क्रांति में जो योगदान है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। विदेशी सम्मान उन्हें कई मिले, लेकिन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें अब मिला है। और निश्चित रूप से तमाम अन्नदाताओं के लिए जिस प्रकार की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कही है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री का जी एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, तो ऐसे में लगता है कि बहुत बड़ा सम्मान उन्हें आज मिला है और बड़ा दिन है तमाम उन लोगों के लिए जो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे। और दूसरा जो अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह का, देखिए उनके जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और उनका जो योगदान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में रहा और खासतौर पर किसानों के कल्याण के लिए वे समर्पित रहे, तो उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। बेशक वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक मजबूत कड़ी थे और जनता दल के संस्थापक थे जी। देश में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री, उनके नाम एक और भी खास बात है कि वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में नहीं जा पाए उस अपने कार्यकाल के दौरान, और पांचवें वे प्रधानमंत्री थे। देखिए उनको भी जो सम्मान मिला है वो तमाम उन लोगों के लिए सम्मान है जो राजनीति में रहते रहते शुचिता की राजनीति करते हैं और किसानों के कल्याण के लिए और अपने से संबंधित तमाम उन वर्गों के कल्याण के लिए उन्होंने पुरजोर गति से काम किया, पुरजोर ताकत लगाई। और न केवल वे दो दो बार मुख्यमंत्री का उन्होंने संभाला उत्तर प्रदेश को, और एक बार उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, तो देखिए उनका भी योगदान भारतीय राजनीति में रहा है। और पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री और नवे प्रधानमंत्री थे वह भारत के, और उनका योगदान देखिए कोई भी ऐसा एक जो केंद्र में ऐसा मंत्रालय नहीं रहा होगा जहां उन्होंने अपनी अपनी जो कार्य प्रणाली की छाप नहीं छोड़ी। वे रक्षा मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, उन्हीं की सरकार में जब वे प्रधानमंत्री थे बड़े महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो देश में लिए गए, चाहे तकनीकी क्षेत्र में
विकास की बात हो या और अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास की बात हो, उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए और वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने उनके सरकार में काम किया और काफी जो उदारवादी जो एक अर्थव्यवस्था है भारत की वो सामने आई, उसका चेहरा सामने आया। और अगर देखिए पहले की आपने जैसे सृष्टि बात की है, कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने की बात हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मान देने की बात हो, तो यह है सभी जो सम्मान है। और एक और खास बात है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही साल में पांच पांच लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है, यह भी बड़ी बात है। तो देखिए तमाम तरह के रहते हैं, और जैसा जयंत चौधरी ने भी कहा है, और अगर सियासत की बात करेंगे राजश्री, यह आज का दिन जो है वो हालांकि सियासत के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत रत्न तमाम सियासी बातों से ऊपर उठकर दिया जाता है, ऐसी सोच के साथ ही इसको इसका जो है घोषणा की गई होगी। लेकिन तमाम जो बातें जब राजनीति में कुछ भी होता है तो उससे सियासत जुड़ी रहती है। तो ऐसे में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए जो जो जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल है, ठीक है, तो अमित इस पर भी मैं आपसे आपसे रिएक्शन मैं इस पर लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले मैं सुभाष चौधरी जी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। चौधरी साहब देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं इसे? हालांकि जिस तरह से अमित ने भी कहा कि अब राजनीति से जोड़े या ना जोड़े, देखिए दो हर चीज के दो पहलू होते हैं। पहले सबसे पहले आप अपना रिएक्शन दीजिए, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे, एक ही साल में पांच पांच भारत रत्न सम्मान देने की बात हुई है? देखिए सृष्टि जी, भारत रत्न तो इससे पहले भी बहुत सारे शख्सियतों को दी जा चुके हैं, लेकिन आज जिन शख्सियतों का ऐलान किया गया है उसको लेकर मेरा बड़ा रिजर्वेशन है, और वो रिजर्वेशन यह है कि मैं वास्तव में अभिभूत हूं इन नामों को सुनकर जिन्हें आज भारत रत्न देने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। मेरा यह मानना है कि वास्तव में ये जो तीन हस्तियां हैं जिनका नाम आज लिया गया है, इन तीनों का वास्तव में नेशन वाइड असर रहा है इनके कामकाज को लेकर, पूरे भारत पर इनका असर रहा है, चाहे वो जिस क्षेत्र में रहे हो, राजनीति की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, या फिर स्वामीनाथन जी कृषि क्षेत्र की दृष्टि से, कृषि वैज्ञानिक की दृष्टि से, यानी पूरे देश के लिए, भारत की मानवता के लिए इन तीनों ने अलग अलग दृष्टि से काम किया है और पूरा जीवन इनका उसमें समर्पित रहा है। अगर मैं बात करूं चौधरी चरण सिंह जी की, जो किसानों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, डेडिकेटेड रहे थे, उनका जीवन पूरी तरह समर्पित रहा उन्हीं चीजों को लेकर, उन्हीं बिंदुओं को लेकर, और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख करने का समय अभी नहीं है, लेकिन नक्सल में मैं ये कह सकता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी इस देश की या भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की कि चौधरी चरण सिंह जैसे पढ़े लिखे और बहुत समझदार, बेहद एक तरह से बहुत संतुलित व्यक्ति, संतुलित सोच के व्यक्ति, बहुत विकसित सोच के व्यक्ति, जो बहुत आगे चलकर सोचते थे, वैसे व्यक्ति को केवल 23-24 दिनों तक ही प्रधानमंत्री पद पर उनको बैठने का मौका मिला। शायद अगर उन्हें 5 वर्ष का मौका मिलता तो इस देश में किसानों की हालत कुछ और अभी होती, उसमें काफी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलता उनके कार्यकाल के कारण, अगर उनको अच्छे से काम करने का मौका मिला होता। बहरहाल राजनीति ने उनको काम करने का मौका नहीं दिया, उससे पहले 2 बार वो यूपी के मुख्यमंत्री, जैसा अमित जी ने बताया अभी, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन दोनों टर्म में भी उनको 5 साल मुख्यमंत्री रहने नहीं दिया गया। राजनीतिक जोड़ तो इस प्रकार से चलती रही और उनके खिलाफ इस तरह से काम होता रहा, क्योंकि उनके काम करने की शैली इस तरह की थी कि किसी खास परिवार को उससे बड़ी परेशानी होती थी। मैं गांधी परिवार की बात कर रहा हूं, जिनका देश पर राजनीतिक दृष्टि से एक छत राज रहा है और कांग्रेस पार्टी पर रहा है, क्योंकि कांग्रेस में चौधरी चरण सिंह जी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे लंबे समय से, हम सबको पता है। तो 2 बार जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी ये देश जानता है, यानी ऐसी शख्सियत को काम करने का मौका नहीं दिया। बावजूद इसके उस व्यक्ति की शख्सियत ऐसी थी, उनका काम करने का तरीका ऐसा था कि सामाजिक जीवन में या राजनीतिक दृष्टि से, चाहे विधायक हो या सांसद के रूप में रहते हुए भी, उन्होंने जो काम किया किसानों के उत्थान की दृष्टि से वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी भी उदाहरण से नहीं की जा सकती। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज इन तीन नामों की घोषणा करके भारत रत्न की गरिमा को बढ़ा दिया प्रधानमंत्री ने। मैं एकदम उस सीमा को क्रॉस करके ये बातें
कहना चाहता हूँ कि अगर चौधरी चरण सिंह जी जैसे व्यक्ति को और स्वतंत्रता से अगर आप देखें लगातार लंबे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया गया है जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन से बहुत कुछ लेना देना नहीं रहा है। ये पहले व्यक्ति हैं मेरी मेरी समझ में कि जिनको कि जवाहरलाल नेहरू के बाद स्वतंत्रता के आंदोलन में जिनका बड़ा अहम योगदान रहा है और भारतीय राजनीति में बड़ा अहम योगदान रहा है। इमरजेंसी की दृष्टि से अगर आप देखें तो विरोध करने वालों में से कैसे मजबूत शख्सियत ये थे, तब उन्होंने विरोध किया और इनके यही एक सूत्रधार थे जिनके कारण से जनता पार्टी का उस वक्त निर्माण हुआ था। 1977 की बात मैं कर रहा हूँ और सरकार बनी थी। उसके बाद अगर बात की जाए दूसरे पीवी नरसिम्हा राव जी की, जी मुझे सौभाग्य मिला है 1991 से 1996 तक मैं संसद के साथ जुड़ा रहा हूँ और बहुत करीब से मैंने इनके कार्यकाल को देखा है और इनके निर्देशन में रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में जिस तरह से कामकाज किया और देश को एक ऐसा प्रारूप दिया आर्थिक सुधारीकरण का जिस पर आज देश इतनी तेज गति से चल रहा है, हमारे जैसे लोगों को भी नौकरियां मिली, संभावनाएं दिखी, आप जैसे लोगों के लिए भी जो आज संभावनाएं इस देश में है उसके उसके उसका प्लेटफॉर्म अगर किसी ने तैयार किया तो वो पीवी नरसिम्हा राव थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, पूरा कार्यकाल उन्होंने किया, गठबंधन की सरकार चलाई, इतनी पार्टियां उनके साथ थी, इतने जोर तोड़ थे बावजूद इसके, और वो विश्व के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको सबसे अधिक संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव उन्हीं के कार्यकाल में इस देश में संसद में आया है, यानी विश्व में भी ऐसा इतिहास देखने को आपको नहीं मिलेगा। 14 भाषाओं के ज्ञाता, इतना विद्वान व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। मैं बहुत दावे के साथ ये बात कहता हूँ, सबके आप योग्यताओं को आप संभाल लीजिए, इतना विद्वान प्रधानमंत्री, इतना स्कॉलर व्यक्ति कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना आज तक। आज की तारीख में शख्सियत हो सकती है, उनके योगदान हो सकते हैं, उनकी विचारधारा और भी हो सकती है। बिल्कुल सुभाष जी, तीन जो बड़े नाम आपने पूरी उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी और अमित भी यहाँ पर जयंत चौधरी का जिक्र कर रहे थे। अमित, मैं समझ सकती हूँ आप जो बात यहाँ पर कहने वाले थे, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, उस चीज का यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहे थे, लेकिन समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा तो मैं आपसे और जानकारी नहीं ले पाऊंगी फिलहाल के। बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और सुभाष चौधरी जी आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।